नमस्ते, मुझे इस सुपरमार्केट के ओनर से मिलना था। जी कहिए, मैं ही हूँ। आचार्य जी, अरे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ आओगे। मैंने तो सोचा कि तुम मुझे भूल ही गए। नमस्ते भाभी, नमस्ते। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। शिवा, ये मेरे बचपन का दोस्त मिस्टर भट्टाचार्य है। भाई जैसे ही खबर मिली कि तुमने वीनस सिटी में नया सुपरमार्केट खोला है, हम तुमसे मिलने आ गए। ये मेरा ग्रैंडसन शिवा है और ये इसके दोस्त। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, चलो तुम लोगों को जो शॉपिंग करनी है करो, तब तक मैं अपने दोस्त से बातें करता हूँ। Okay, Mr. Bhattacharya, thank you very much. Romeo Danger के लिए सामान लेके जा रहा है। I hope you don't mind. अरे तुम लोगों को किसी के लिए भी सामान लेना है ले लो, मगर पैसे तो देते जाओ। बिना पैसे दिए कहाँ चले जा रहे हो? शायद तुमने सुना नहीं, हम रोमियो डेंजर के आदमी हैं। हम पैसे देते नहीं, पैसे लेते हैं। Bye bye, uncle. जो रुपए निकाले हैं उसे वापस रखो और जो सामान लिया है उसके पैसे देकर जाओ प्लीज। एंट्री तो तुम्हारी बिल्कुल हीरो वाली हुई है बच्चे, पर सामने से हट जाओ वरना तुम्हें जीरो बनाने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अब आप पैसे देंगे या नहीं? आपके पैसे, हम चलते हैं। थैंक यू शिवा, थैंक यू। तुम तो कमाल की फाइट करते हो। बेटा कहाँ से सीखी ऐसी फाइट? मैंने सिखाया और कौन सिखाएगा। रोमियो डेंजर, दिखने में मैं क्यूट हूँ पर हूँ मैं बड़ा डेंजर। हैरी पैरी, ये क्या हाल बना रखा है? किससे पिटकर आ रहे हो? देख भाई हैरी, बॉस को बताना मत कि हम दोनों एक बच्चे से पिटकर आ रहे हैं, वरना गैंग से अपनी छुट्टी हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो पैरी। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? किसने तुम दोनों को पीटा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि रोमियो डेंजर के आदमियों को हाथ लगाया? नहीं बॉस, किसी ने पीटा नहीं। वो क्या हुआ, जब हम दोनों सामान लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हमारी मोटरसाइकिल स्किड हो गई, दोनों बाइक से गिर गए और हमें चोट लग गई। ठीक है, अब सुनो, तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? वो क्या बॉस? सुना है वीनस सिटी में एक नया सुपर मार्केट खुला है जिसका नाम है वीनस सुपरमार्केट। तुम दोनों वहां जाओ और जितना सामान बटोर सको बटोर लेना। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, रोमियो डेंजर का सिर्फ नाम ही काफी है। बॉस, बॉस वो क्या है, हम दोनों चले जाते हैं, पर एक्सीडेंट से इतनी चोट आई है कि आज के लिए हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी और को भेज देते तो अच्छा होता। ठीक है, तुम दोनों को बहुत चोट आई है, चंगू मंगो तुम दोनों चले जाओ। ओके रोमियो डेंजर, हम उससे पूरे साल भर का सामान लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।
ओके अंकल, मैं अभी आता हूँ। बच्चे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? चलो जीप के सामने से हटो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तेरा नाम कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे आप लोगों से बहुत मतलब है। वीनस सुपरमार्केट से जो लूटपाट की है वो सब वापस करो, वरना और पिटाई होगी। बस करो, अब तो उठने की भी हिम्मत नहीं बची। उठना तो पड़ेगा अंकल। उठिए और जाकर सुपरमार्केट वाले अंकल को उनके सामान के पैसे और वसूली के पैसे दोनों लौटा कर आइए। हाँ हाँ, अभी जाते हैं, आगे से कभी सामान खरीदने भी वहाँ नहीं भटकेंगे। ये क्या है, तुम दोनों भी टूटे फूटे आ रहे हो? लगता तो ऐसा है जैसे किसी ने दिल खोल के पिटाई की हो। नहीं नहीं बॉस, वो रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रास्ते में हमारी जीप पलट गई थी, सामान और पैसे भी वहीं गिर गए, बड़ी चोट आई है। आप परमिशन दो तो जाकर दवाई लगा लें। पैरी, पैरी, तुम दोनों की मोटरसाइकिल भी वहीं स्किड हुई थी जहां हमारी जीप पलटी। हाँ ठीक कहा, लेकिन अगर किसी को बताया तो मजाक उड़ेगा। चप्पो टप्पो, तुम दोनों जाओ। ओके बॉस। हमारी कार का ब्रेक फेल हो गया। बॉस, हमारी जीप का टायर ब्लास्ट हो गया और वो पलट गई। ये क्या हो रहा है? तुम सब सुपरमार्केट से खाली हाथ क्यों लौट कर आ रहे हो? किसी की मोटरसाइकिल खराब हो गई तो किसी की जीप। तुम सबको इतनी ट्रेनिंग दी, किसी काम की नहीं। इसे क्या पता, उस बच्चे के आगे सारी ट्रेनिंग फेल हो जाती है। जाने दो, बॉस ने मार्केट को नहीं लूटा तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पड़ता है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। ए बॉस, वहाँ एक बच्चा है शिवा, वो सिर्फ चालाक ही नहीं बड़ा सॉलिड फाइटर भी है बॉस। दरअसल हमारी कोई मोटरसाइकिल स्किड नहीं हुई और ना ही कोई जीप पलटी हुई। बॉस, वो सुपरमार्केट और शिवा के अंकल का है और मार्च में चोरी करने पर शिवा ने ही हमारी पिटाई की थी। क्या? तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बच्चा मुझे डरा नहीं सकता। लोगों को पता चल गया कि एक बच्चे की वजह से रोमियो डेंजर डर के भाग गया तो मेरा आतंक खत्म हो जाएगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरे पास एक प्लान है। पहले उस बच्चे को रास्ते से हटाना है और फिर सुपरमार्केट को लूट के अपनी दहशत को बनाए रखना है। अब उस बच्चे को पता चलेगा कि देखने में मैं क्यूट हूं पर हूं मैं बड़ा डेंजर। शिवा, तुमने उस रोमियो डेंजर को ऐसा सबक सिखाया है कि
वो दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आएगा। दिखने में मैं क्यूट हूँ, पर हूँ मैं बड़ा डेंजर। ओह, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से तुम लोग वीनस सुपरमार्केट पहुँच नहीं पाए। अब कैसे बचोगे बच्चे? ये जाल मेटल का है, ना तो तुम सब मिलकर इसे काट पाओगे और ना ही जला पाओगे। तुमसे तो मैं निपटता रहूँगा। See you soon. Happy hanging. हम लोग फंस चुके हैं। अब तो हमेशा इस जाल में ही रहना पड़ेगा। मैं कुछ सोचता हूँ। अब ना तो तुम्हारा ये सुपरमार्केट रहेगा और ना ही इसका सामान। आज सबको पता चल जाएगा कि रोमियो डेंजर सिर्फ दिखने में ही क्यूट है, पर है बड़ा डेंजर। ऐसा मत करो, प्लीज मेरा मार्केट बर्बाद मत करो। शिवा, अरे शिवा कहाँ हो? जल्दी आओ, ये मेरी मार्केट बर्बाद करने वाले हैं। मैं अभी आता हूँ अंकल। मिस्टर भट्टाचार्य, अब मैं इस बुलडोजर से पूरा सुपरमार्केट तोड़ दूंगा। कहाँ है तुम्हारा वो बच्चा? नहीं, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज। ऐसा मत करो, अरे तुमको जो चाहिए वो ले जाओ, पर मेरा सुपरमार्केट मत छोड़ो भैया। और हाथ जोड़ो और गिड़गिड़ाओ, अब तो ये सुपरमार्केट टूट के ही रहेगा। बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। बॉस बॉस भाग लेते हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। चुप करो और फाइट करो, एक बच्चे से हम हार नहीं मानेंगे। Yeah.
कैसा प्लान? सब प्लान तो तुमने चौपट कर दिया। एक अकेले ने मेरे सारे आदमी मार के गिरा दिए। मेरे सारी दहशत, मेरा आतंक खत्म कर दिया। मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा। कौन से शहर जाने का प्लान है अंकल? वेदांत शहर, सुना है वहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। वो मेरा शहर है, वहाँ मैं रहता हूँ। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जेल जाऊंगा। हेलो प्लीज प्लीज वीनस सुपरमार्केट आके मुझे यहाँ से ले जाओ। अंकल अब फिर कभी किसी को तंग नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। वैसे देखने में तुम हो क्यूट, लेकिन हो तुम बड़े डेंजर।